जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसा ने पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन, असा अक्सर तो डिठा है कि ओवरसी पाकिस्तानी दे बहुत सारे मसाइल हैं कि जेडे मसले हल करवाने उनको इंतहाई मुश्किल का सामना आए, और इमरान खान साहब को एक क्रेडिट मिलता है कि जिन्होंने इंदे हवाले बहुत सारा काम किया, बल्कि ओवरसी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले नाल, और बहर की अगर गल की वजह तो बहर भी काफ़ी सारे ओवरसी पाकिस्तानियों को बहुत सारी सहूलियात मतलब दीतियाँ। असनल रहो आसिफ साहब मौजूद हैं, इन्होंने गुफ्तगू करें जेडे कि मुल्तान टाइम ओवरसी पाकिस्तानियों के तमाम मसले मसाइल को लीड करेंदे पेन देते पेन, इन्हों के कोल जानते हैं कि आया क्या इन टाइम तक कितने मतलब कितने मसाइल हैं जो तेरे को आ चुके हैं, और सब तो ज़्यादा जो ओवरसी पाकिस्तानियों का मसला होंगे वो क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वालेकुम सलाम। मसाइल जिस तरह आपने कहा, मसाइल तो देखें ओवरसीज़ का जो मेन मसला है वो है जायदादों पे कब्ज़े। वो बेचारे बाहर बैठे होते हैं, वहाँ से पैसा कमा के पाकिस्तान में भेज रहे हैं, यहाँ हमारा माफिया जो है वो उनकी जगहों पे कब्ज़ा कर लेता है, और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमारा इदारा जो है चेयरमैन ओवरसीज़ के हैसियत से, पंजाब का हमारा इदारा है, वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही साहब, वो हमारे इसके चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं। तारिक साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, मैं मुल्तान में चेयरमैन ओवरसीज कमीशन। तो हमने ये करना होता है कि जो भी हमारे पास साइल आता है वो पोर्टल पे अपनी जो दरख्वास्त है उस पर भेजते हैं, वहाँ से हमारी जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास आता है, तो हम उस पर प्रसू करते हैं, उस पर जो भी कार्रवाई होती है डीसी साहब से कोऑर्डिनेशन में लेके सीपीओ साहब, उस पर हम उसको रिजॉल्व करवाते हैं मसले। राव साहब, इन टाइम तक कितने मसले जो हल कर चुके हैं, और कितनी एक दरखास्त जो अगर असं मदीना तलौलिया मुल्तान शरीफ की गाल करूँ या गिरदो नवा की गाल करूँ तो कितनी एक दरखास्त जो को आ चुकी? पिछले 3 सालों में 500 केसेज आए थे, जिसमें से 408 केसेस रिजॉल्व कर दिए हैं हमने। बाकी 67 केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, अदालतों के मामलात हैं। जो 30 केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, वो नेक्स्ट मीटिंग हमारी मंडे को है डीसी साहब के साथ, सब तमाम इंतजामिया होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ ओवरसीज़ को भी हमने बुलाया हुआ जिनके इशूज़ हैं, वो भी वहाँ हमारे साथ बैठ के बात करेंगे। जो जिन्होंने उन पर केसेज किए हुए, वो भी लोग जो जिन्होंने कब्ज़े किए हुए, उनको भी हमने मधु किया हुआ है, तो वो तमाम लोगों को बिठा के हम उस पर डिबेट करेंगे। हम देखेंगे जो हक सच का फैसला है वो हम उस पर करेंगे सारे बैठ के। राव साहब, आखिरी डू गाली करें, तुसा कह रहे थे कि अक्सर ज़्यादातर प्रॉपर्टी के मसाइल यानी जजातों के मसाइल आते हैं, या इन तो इलावा भी कोई मसला पेश आता है ओवरसी पाकिस्तान? सर, ज़्यादातर तो ये जायदाद के मसाइल हैं, बाकी नादरा के छोटे मोटे मसाइल होते हैं, जो नादरा के उनके होते हैं, जो पासपोर्ट के हवाले से मसाइल होते हैं, यही मसाइल ज़्यादा हैं किसी के छोटे। बाकी जो मसाइल, जो मेन मसला होता है ना, वो होता है इसका प्रॉपर्टी का, ये इनके मेन मसले हैं। छोटे छोटे मसाइल तो वो तो फिर रहते ही हैं, वो तो सबके साथ होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जो बड़े मसले हैं वो है प्रॉपर्टी के कब्ज़े, जो वो हमने बागुजार करवाने हैं। राव साहब, आखिरी सवाल करें सा कि असा यह भी डिठा है कि अक्सर पाकिस्तान के वजन वाले ओवरसी पाकिस्तानी जेडे कहीं भी मामलात बहर के मुल्कों मतलब कहीं कोई परचा थी गया या कोई ऐसे मामलात थी गए या मतलब जेलों के चले वेंदे, उनके वास्ते तुहाडे कोल मतलब क्या इख्तियारात हैं? सर, जो जेलों में चले जाते हैं वो तो देखें कोर्ट के मसाइल हैं, वो हम नहीं कर सकते जो कोर्ट के चल रहे हैं। जो हमारी हद तक है, जो हमने हल करने हैं, वो हम अपने पास बुला के डीसी साहब के पास, हमारे पास ये कम्युनिटी रूम है, उसमें बिठा के हम दोनों पार्टियों को बिठाते हैं, उनमें डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कौन हक सच पर है, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उस पर हम फैसला करते हैं कि ये गलत है, ये ठीक है। तो उसमें हमारी कोर्ट भी बनी हुई है, हाई कोर्ट में हमारा बेंच बना हुआ है, उस पर मुख्तलिफ जजेस डिफरेंट टाइम पर चेंज होते रहते हैं, तो उनको हम केस फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उस पर वो केस पे हक सच का फैसला करते हैं। राव साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। झोक टीवी वसेब दी आवाज़ को अलहमदुल्ला सरायकी वसेब तो घन के पूरे पाकिस्तान, क्योंकि झोक टीवी ने हमेशा पाकिस्तान बोलियां बजाने लिए तमाम जबानों की नुमाइंदगी की है, और पूरी दुनिया के लिठा वह आखिर तो झोक टीवी देखने वाले नाजरन को क्या पैगाम दे सो? जी माशाल्लाह जी, आपका चैनल हमेशा मैं देखता हूँ, हर जगह पर आपका चैनल चल रहा है, और आपके चैनल के तवसुस से हम अपना पैगाम आपको रिकॉर्ड कराते हैं, और मीडिया ही है जो हमारी आवाज़ को बुलंद करता है और दुनिया तक फैलाता है। तो मैं दुआगो हूँ कि आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाए, तो इससे हमारा भी पजीराई होगी, क्योंकि आप हमारे मुल्तान के चैनल से जब हमारी आवाज़ उठेगी तो पूरी दुनिया में जाएगी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, सनल राव आसिफ साहब गुफ्तगू करते पे और तो कुछ दसेंदे पे हैं कि ओवरसीयर पाकिस्तानियों के कितने कड़े मसाइल हैं और असं किमें हल कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं दसेंदे वजह सिंपल जहा तरीका है कि तुसा अपनी मतलब अजकल क्योंकि डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर के उत्ते हर किस्म की एप्लीकेशन मौजूद है, और तुसा उनके उत्ते किसी भी किस्म के कोई मसाइल हैं, तुम्हारी कोई शिकायत है, तुसा उनके उत्ते भेजो, और यकीनन ये जड़ा बहुत जल्दी तुहाडा मसला हल थी वैसे। तो नाज़रीन, जुड़े रहो झोक टीवी वसेब की आवाज़ नाल, अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दसो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
Mm-hmm.